जहां श्वेता तिवारी के दूसरे पति रह चुके अभिनव कोहली श्वेता पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अब श्वेता तिवारी ने भी अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। श्वेता ने इस पोस्ट में एक वीडियो शेयर की जहां पर श्वेता अपने बेटे रियांश को गोद में लिए हुए है और श्वेता का दावा है कि अभिनव उनके बेटे को उनसे छीन रहे हैं। वहीं एक दूसरी वीडियो भी श्वेता तिवारी ने शेयर की है जहां रियांश डरा और सहमा हुआ है। बता दें कि श्वेता तिवारी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए इस पर कैप्शन लिखा, Now let the truth come out, but this is not going to stay forever on my account. I will eventually delete it. I am posting this right now to reveal the truth. Then it goes off. This is why my child is scared of him. After this incident, my child was scared for more than 1 month. He was so scared that he would not even sleep properly at night. His hand hurt for more than 2 weeks. Even now, he is scared of his papa coming home or meeting him. I can't let my child go through this mental trauma. I try my best to keep him calm and happy, but this man is horrible. Make sure my baby's mental health goes back to square one. If this is not physical abuse, then what is? It is the CCTV footage of my society. ये लिखते हुए श्वेता ने बताया कि कैसे अभिनव कोहली के बर्ताव से उनके बेटे रियांश डरे हुए हैं। बता दें कि ये वीडियो शेयर करने के बाद श्वेता को लगभग पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री का सपोर्ट मिल रहा है। हर कोई श्वेता तिवारी को मजबूत बने रहने को कह रहा है। वेल, श्वेता और अभिनव का ये बैटल कोर्ट में तो चल ही रहा है, लेकिन अब इसके साथ साथ इस बैटल को खुद अभिनव कोहली सोशल मीडिया पर भी ले आए हैं। फाइनल कॉल, न्यूज डेस्क।